भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टी20 मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर न्यूजीलैंड के ओपनर्स मार्टिन गप्टिल और डैरिल मिशेल ने ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत की। बता दें आपको कि दोनों ने करीब 11 की औसत से पावर प्ले के अंदर रन बनाने शुरू किए। इससे पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और टॉस जीतकर एक बार फिर गेंदबाजी का फैसला किया। आपको बता दें कि पांचवें ओवर की दूसरी गेंद पर यहां पर दीपक चहर ने एक बार फिर मार्टिन गप्टिल को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराया, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम को पहला झटका लगा। मार्टिन गप्टिल काफी डेंजरस नजर आ रहे थे, उनका विकेट यहां पर दीपक चहर ने चटकाया। हालांकि काफी महंगे जरूर साबित हुए हैं अभी तक, लेकिन गप्टिल ने 15 गेंदों में 31 रनों से सजी इस पारी में अपना काम कर दिया। 206 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए, 3 चौके और 2 छक्के उन्होंने अपनी इस पारी में जड़ दी। हालांकि आसान नहीं है भारतीय टीम के लिए भी यहां पर इस स्कोर जो भी ये बनाएंगे उसको चेस डाउन करना, क्योंकि दोनों ही पारियों में ड्यू का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। मैदान पूरा गीला पड़ा है और उसके बाद अगर गेंद स्किड भी होती है तो 180-190 रन्स यहां पर न्यूजीलैंड की टीम बना सकती है, जो कि एक चैलेंजिंग टोटल भारतीय टीम के लिए होगा। हमने देखा कि पिछले मुकाबले में भारत गिरते पड़ते जीता था, तो कहीं ना कहीं अब टीम इंडिया को थोड़ा सा अलग प्रदर्शन करने की उम्मीद होगी। बड़ी बात यह है कि कप्तान रोहित शर्मा ने अभी तक जबरदस्त बॉलिंग चेंजेस किए हैं। 5 ओवरों में 2 ओवर उन्होंने दीपक चहर के डलवाए, 2 ओवर भुवनेश्वर कुमार और 1 ओवर डलवाया उन्होंने अक्षर पटेल से। गेंदबाज अभी तक बेअसर साबित हुए हैं। अब देखना है कि हर्षल पटेल को एक अब लेकर आते हैं या फिर वेंकटेश अय्यर से भी गेंदबाजी कराई जाती है या नहीं। AFP टाइम्स की रिपोर्ट।